शुरुवाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है, दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफ़ज़ई, प्रोग्राम डायलॉग 99 में आप हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कराची। कराची की मिसाल उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों को उनके बचपन से लेकर जवानी तक पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, परवान चढ़ाती है, मगर जब उसी माँ को कोई मुश्किल लाहिक हो जाए या उस माँ को किसी ज़िंदगी के मोड़ पर अपने उन्हीं बच्चों की सहारे की ज़रूरत हो तो वही माँ उन्हीं बच्चों के ज़रिए से धुतकार दी जाती है और बहुत बुरी तरीके से नज़रअंदाज होती है। कराची, जिसे बीटा ग्लोबल सिटी कहा जाता है, जो सातवां बड़ा दुनिया का शहर है, कराची जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, कराची जिसे पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता है, ब्राइड ऑफ एशिया कहा जाता है, कराची जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देता है, कराची जो 3000 अरब रुपए का टैक्स देता है, कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, मगर अफसोस के साथ नाज़रीन, अब कचरे का ढेर, गलाजत का ढेर, उबलते गटर और उसमें से निकलते हुए फुजला का ढेर कहा जाता है। कराची के साथ जिसने जैसा जुल्म करना चाहा उसने वैसा किया। कराची की आबादी को अव्वल पूरा गिना नहीं जाता, जितना गिना जाता है उतना बजट पास नहीं किया जाता, जितना बजट पास किया जाता है उतना लगाया नहीं जाता। कराची का मौजू सीजनल मौजू है नाज़रीन, इसका साल में एक वक्त आता है जून जुलाई अगस्त का जब इसमें बारिश होती है, तो तमाम टीवी चैनल्स, उनके एंकर्स, तमाम इदारे, तमाम सियासतदान इसको जेरे बहस लाते हैं। 99 न्यूज़ चैनल ने सोचा हुआ था हम उस वक्त कराची के हवाले से बात करेंगे जब तमाम टीवी चैनल्स, इदारे और सियासतदानों की जबानों पर सुकूत की हुकूमत कायम होगी या वो दीगर मौजूहात पर बात कर रहे होंगे, हम उस वक्त भी कराची के मौजू पर बात करेंगे। और इसी मौजू पर बात करने के लिए जिस मेहमान को हमने मधु किया है, उनकी पहचान कोई बंगला नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई मर्सिडीज नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, उनकी पहचान कराची है। जिस उम्र में लोग डॉक्टर बनने के बाद हाउस जॉब करते हैं, इन साहिब ने उस उम्र में नेशन जॉब की। जिस उम्र में लोग अपने गोल्स को सेट कर रहे होते हैं, फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हैं, मतलब 27 साल की उम्र में इन ये साहिब कराची के मेयर मुंतखब हुए, 5 दफ़ा कौमी असम्बली, 2 दफ़ा सूबाई असम्बली, फिर उसके बाद वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन, मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है और आपके इतने, जिसे कहते हैं कि मरबूत और भरपूर और जामे एंट्रो के बाद आपने तो पहले ही कदम से जो है वो इस प्रोग्राम को और लोगों के जज्बात को गर्मा दिया है। मैंने कहा मैं प्रेस कर दूं, आई मस्ट। डॉक्टर साहब, कराची जहां पर कायदीन पाकिस्तान की कब्र मौजूद है, वो शहर जहाँ पे मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की कब्र मौजूद है, वो शहर जहाँ पे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की कब्र मौजूद है, उस शहर में जहाँ उस मुल्क के मादरे मिल्लत की कब्र मौजूद है, उस शहर का क्या हाल कर दिया है? कराची का बुनियादी मसला दरअसल है क्या, ये समझ में नहीं आता। अवाम ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, कराची का सेवरेज का मसला है, चाइना कटिंग का मसला है, या कराची में कोई सियासी मसला है, तासुब का मसला है, नियत का मसला है, किरदार का मसला है, या सियासतदानों के पेट का मसला है, ये भर नहीं पा रहा, क्या ये कोई दिमागी कोई मसला है? मसला दरअसल है क्या? मेरे ख्याल में आपने अपने सवाल में कराची के जुमला मसाइल कि जो मुख्तलिफ़ जहतें बताएं जी, ये तो सारा मसला है ही, मसला कराची है यही जो आपने बातें की कि सबसे नज़रअंदाज करदा शहर कराची, सबसे सताया हुआ शहर कराची, महरूम और मज़लूम शहर कराची। और ये मसाइल और मसाइल का अंबार तो अपनी जगह, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि जलती पर जो तेल का काम किया वो बेहिसी ने किया, मुजरिमाना गफलत ने किया, अरबाब इख्तदार की, चाहे वो वफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो और बल्दियाती सतह पर हो, तीनों ने मिलकर गुज़िश्ता चंद सालों में जिस नहज पे कराची को पहुंचा दिया, तो
कराची ने सबसे पहले तो यही कहा कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे कि पूछने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, और इसे लावारिस और यतीम समझकर जो है वो बिल्कुल इसके अपने रहम व करम पर छोड़ दिया। तो किसी सियासी जमात ने ना कोई ऐसा पैकेज अता किया, ना किसी जमात ने कोई ऐसा पैकेज लिया जिससे उनकी भी बसीरत जाहिर हो कि कराची की जुमला ज़रूरत क्या है, इसके जुमला मसाइल क्या है, उसका कॉम्प्रीहेंशन नहीं था। तो ये पहली बार कराची ने ख़ुद अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराई जब इस कदर गैर मामूली बारिशें हुई, और जब कराची डूबा तो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। ये कराची की कहानी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो बल्दियाती सतह पर जिसका मेयर था और जिसने वफाक में भी पीटीआई को ज्वाइन किया, 162 अरब का पैकेज लिया 2 साल पहले, उसमें ना 65 करोड़ गैलन योमिया इजाफी पानी की फरामी का मंसूबा था K4, ना उसमें निकासी आपकी फर्जुदा लाइनों की तब्दीली हो, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े उन्हें दोबारा शुरू करने की बात थी, ना कचरा उठाने का कोई जदीद निज़ाम जिसमें सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन हो और जिसमें लैंडफिल साइट जो 1.5-3.5 करोड़ दुनिया का 7वां बड़ा शहर आपने कहा, उसमें एक लैंडफिल साइट जाम चाकरों पर, इस शहर का कचरा कोई उठा भी ले तो एक लैंडफिल साइट पर कैसे पहुँचेगा। चुनाचे वो कचरा नालों में जाता है, वो पार्कों में फेंका जाता है, मैदानों में, स्कूल और अस्पतालों के सामने, चूँकि उसकी ओनरशिप आवाम की नहीं होती तो उनके सामने फेंक दिया जाता है। ये और आखिरी कराची सर्कुलर रेलवे, कई सालों से ये मंसूबा रद्दी की टोकरी में मुसलसल पड़ा, कोई और बिजली और के इलेक्ट्रिक का जो मसला है कि उसके किबले को कौन दुरुस्त करे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, वो चाहती है कि उसी की तरह के और बैन अल-अक़वामी सरमायादार आए, लोगों से उनकी ज़िंदगियाँ इतनी अजीरन बना दी जाए कि कल वाटर सीवरेज पानी और निकासी या आपके महकमे को भी प्राइवेटाइज कर लिया जाए, जहाँ बिजली प्राइवेटाइज हुई तो, ताकि उनके जो और कंसोर्शियम जो बैन अल-अक़वामी सतह पर बनी हुई है, इन बैन अल-अक़वामी सरमायादारों की जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमारी पॉलिसियों और हमारी जेगुलर वेन, हमारी जो ज़िंदगी की जो हमारी जो लाइफ लाइन पर आकर बैठ गए हैं, तो कराची शहर अगर चला गया इन लोगों के हाथों में जो इन जो बैन अल-अक़वामी सरमायादार हैं, असल में पसे पुश्त ये कहानी है। और हमारी हुकूमतें दानिश्ता नादानिश्ता, हमारी सियासी जमातें दानिश्ता नादानिश्ता इस बैन अल-अक़वामी साजिश का आलायकार बन रही है। तो ये है साहब, ये जिम्मेदारी उसकी भी तो बनती है जो मुंतखब मेयर हुआ है, जिसके मातहत कराची है, उसने भी तो, साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 साल गुजार दिए, वो कहते रहे इख्तियार मेरे पास नहीं है, और वो एक लंतरानी सुनाते गए अवाम को, बल्दिया सुबह वफाक वफाक सुबह बल्दिया, अवाम को ये टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम, अवाम कहती है हमें बेसिक नीड्स हमारी मिल जाए, हमें रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, अवाम को इन सारी टेक्निकलिटीज़ की कोई भी माने और कोई भी डेफिनेशन नहीं पता, अवाम तो बस ये बेसिक नीड चाह रही है, मगर वो कहते रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। जैसे कि आपने भी एक जगह पर फरमाया कि उनको 40 अरब रुपए मिले, मगर वो अमली मुजाहिरा उन पैसों का नजर नहीं आया, कहाँ पर लगा, गायबाना तौर पे आया, गायबाना तौर पे काम हुआ, लगे कहाँ, ये आवाम पूछना चाहती है। आवाम को तो वो पैसे नजर ही नहीं आए, 30 अरब रुपए तो तनख्वाहों के और पेंशन के मिले, लेकिन अब उसमें से पेंशन भी जो मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 सालों में रिटायर हुए हैं, 2 या 4 सालों में, उन्हें वो पेंशन ग्रेजुटी, उन्हें एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह 20 अरब रुपए सूबाई हुकूमत से मिले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में, उन पैसों का भी कोई हिसाब नहीं। मेरा पहला झगड़ा एक तो अली रज़ा आबदी को राबता कमेटी में लाने पर, पब्लिक रिलेशंस जो डिपार्टमेंट है उसका इंचार्ज बनाने पर हुआ, अपने इन वडेरों से जो मेरी पार्टी के हैं, इन कब्ज़ा गिरों से और जो करप्ट अनासर है, पहला झगड़ा अली रज़ा आबदी को एलिवेट करने पे हुआ। न जाने क्यों उससे ये सब इनसिक्योर हो जाते थे, क्यों जेलस होते थे,
टैलेंटेड था, डिसेंट नफीस आदमी और माकूल बात करता था, दलाइल के साथ बात करता था। लोग ऐसे कहाँ आज सियासत में नापैद हैं, नज़र नहीं आते, वो हमसे छीन लिया गया। दूसरा झगड़ा मेरा वसीम अख्तर से और पार्टी से, हिसाब 8 अरब रुपए मिले उसका मुझे हिसाब नहीं दिया गया। 3 महीने तक वो मुझे चुरंगिया घुमाते रहे। और देखिए 4 सालों तक कराची के अवाम को इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अगर आप वाकई में सियासी सोच रखते हैं, लोगों का दर्द रखते हैं, तो 3 साल में अगर इख्तियार नहीं मिले तो 10 दिन का धरना देते वज़ीर आला हाउस पर, इख्तियारात और वसाइल और अपने हुकूक की और कराची के शहरियों की बात करते, हैदराबाद के मेयर को अपने साथ मिलाते हैं। यकीन जाने लड़काना नवाब शाह के पीपल्स पार्टी के मेयर भी आपके साथ आके खड़े होते उन वडेरों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने 2013 के बल्दियाती कानून के ज़रिए से लड़काना नवाब शाह के, दादू, शिकारपुर, खैरपुर के और कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास के लोगों के भी हुकूक सल्ब कर लिए 2013 के। तो वो आपके साथ, और फारूक सत्तार भी आपके साथ खड़ा होता, आपसे अलग हो गया, राबता कमेटी से आपने अलग कर दिया, लेकिन मैं पार्टी से अलग कर दिया, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ, कराची के अवाम, मुस्तफा कमाल भी आपके साथ आके खड़े हो जाते अगर आप वज़ीर आला हाउस पर 10 दिन का धरना करते, इस्तीफ़ा साथ लेकर जाते, और अगर इख्तियारात और वसाइल ना मिलते तो उनके मुँह पर इख्तदार को मार के आते। 4 साल तक इख्तदार की कुर्सी के साथ चिमटे रहे अपने होंठों और आँखों से उस इख्तदार को, और जो 40 अरब रुपया 20 अरब सालाना तरक्याती प्रोग्राम का सूबाई हुकूमत ने, और 20 अरब रुपया 162 अरब के वजीर आज़म के जो पैकेज से मिला वो भी मिला, ये 40 अरब रुपए कहाँ गए? न नाले साफ़ हुए, न कचरा साफ हुआ, ये 40 अरब रुपए साफ़ हो गए। आखिर में एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी नाले साफ़ करने के लिए 125 अरब रुपए दिए, वो भी साफ़ हो गए, नाले साफ़ नहीं हुए, मोहल्ले साफ़ नहीं हुए, कचरा साफ़ नहीं हुआ, उबलते गटर साफ़ नहीं हुए, लेकिन ख़ज़ाना जो है वो खाली हो गया। पेंशन देने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, जबकि तनख्वाहों का भी पैसा सूबाई हुकूमत से मिल रहा है। हाँ, 65 अरब रुपए कराची को मिलते हैं, बल्दिया उस्मा कराची, 6 जो ज़िलई बल्दियात हैं, और बाकी KDA, MDA, LDA और दीगर जो शहरी इदारे हैं उनको, लेकिन 65 अरब। और मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट है 650 अरब। अच्छा। तो ये बात मानने की है, इस बात पे लोग आपके साथ खड़े होते, पर आप सियासी बसीरत का, फहम व फिरासत का और सियासी होने का सबूत देते ना, 4 साल तक आप खामोश रहे, कोई एहतजाज नहीं, नाले साफ करने का ठेका दिया वज़ीर बल्दियात के साथ, आप साथ साथ घूम रहे, 3 दिन बाद बारिशें हो रही हैं। नालों की सफाई का काम मार्च से शुरू होता है, जुलाई में बारिशें आती हैं, मार्च में टेंडर देते हैं, अप्रैल में टेंडर फाइनल होते हैं, मई जून में नाले साफ़ होते हैं, और जुलाई में छत पर जाकर आप बारिश को एंजॉय करते हैं। फिर कराची में पानी उस तरह नहीं जमा होता जिस तरह इस मर्तबा हुआ और 2 सालों से हो रहा है। अब ये मौसमों की तब्दीली भी एक बड़ा चैलेंज है, उसके लिए भी क्या तैयारी? तो वही, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वो कहते हैं ना कि बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया, तो बारिश बदनाम हुई। कभी साहब आपकी ये बातें मेयर साहब, साबिक मेयर साहब के पास कोई लेके जाए, बताई जाए, तो उनका जवाब रद्द अमल ये होता है कि इनको कोई पूछता नहीं है, ये सिर्फ बातें करते रहते हैं, इनको बस चैनल का स्लॉट चाहिए या फिर इनको बस अपनी तकरीर करनी है, इस सिस्टम में कोई भी काम नहीं कर सकता। वो उन्होंने तो इस बात का दावा कर दिया कि कोई भी इस सिस्टम में आके काम ही नहीं कर सकता। 3 बड़ी गलतियाँ बता दूँ मैं इनकी, कि धरना क्यों नहीं दिया 3 साल के बाद, एहतजाज क्यों नहीं किया और इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? अगर ये कुर्सी बेकार देना तो बहुत आसान बात है, मैदान अच्छा भाग जाना बड़ी आसान बात है, इस्तीफा देकर ही तो, इस्तीफा देकर ही तो, चले इस्तीफा ना देते, आप मुजाहरे करते, धरना देते, मोबिलाइजेशन करते, मोहल्ले मोहल्ले कराची में जाते, अवाम को अपने साथ शामिल करते और एक कोई बहुत बड़ी रैली निकालते बल्दियाती हुकूक, इख्तियारात और वसाइल के लिए, आपने वो भी नहीं की। तो 4 साल कुछ नहीं किया, आखिर में 53 लेटर जो एसी कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लेके वो अवाम के सामने दे दिए, मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, ये तो पहली बड़ी गलती। दूसरा, 140A की मेरी पिटीशन थी,
अरे हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े माविया में उस पिटीशन को चलाते। आप कहीं तो वज़ीर क़ानून था, वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब, उनसे कहते कि वो अटर्नी जनरल से कहते सुप्रीम कोर्ट। अरे गुलजार अहमद शेख आपसे पूछ रहे कब जान छोड़ रहे हो, कब यहाँ से रुख्सत ले रहे हो, कब तुम्हारा टेन्योर ख़त्म हो रहा है, वो पूछ रहा है आपसे। बेहतरीन मौका था उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में, यानी 20 दिन रह गए थे, लेकिन कुछ फाइलें और आपको साइन करनी थी ना, कुछ फाइलें और निकालनी थी ज़मीनों की। तो मौका गनीमत था, सारा वबाल आपके ऊपर से उतर जाता। आप कहते कि ये सर आप सही करें, हाँ हमसे कोताहियाँ हुई, हमारी तरजीहात शायद सही नहीं थी और हमें पहले इस्तीफ़ा देना था। आप कह रहे हैं मेरा हक ही नहीं बनता, ये लीजिए इस्तीफ़ा। लेकिन एक काम गुलजार अहमद शेख चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आप भी करें, वो जो डॉक्टर फारूक सत्तार की 4 साल से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात और वसाइल दिलाने के, वो आप चला दें ताकि अगला मेयर मेरी तरह जलील व ख्वार ना हो। पूरा शहर कराची आपको कंधों पर बिठाता, मुझे छोड़ दें कि मुझे मीडिया चाहिए, चैनल वाले पूछते नहीं, लोग पूछते नहीं, मेरी फ़िक्र ना करें, अपनी फ़िक्र करें, दुनिया की भी आखिरत की भी अपनी फ़िक्र करें। और आपने 40 अरब का हिसाब आपको देना है तो मुझसे हिसाब लोग ले लेंगे, लोग मेरे मामले को देख लेंगे, आप अब अपनी फ़िक्र करें। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी बसीरत को यूज़ नहीं किया, 140 की पिटीशन, फिर ये 1100 अरब के जो मंसूबे थे, खालिद मकबूल भाई हैं, वसीम अख्तर हैं, आमिर खान हैं, कंवर नवेद हैं, उन्होंने 162 अरब के पैकेज में भी K4 सर्कुलर रेलवे, सीवरेज S3 और जो है वो कचरा उठाने का निज़ाम, तो ये 4 मंसूबे आपने 162 अरब में, ये मंसूबे भी नहीं। तो ये तो बारिशों में डूबकर कराची ने अपना मुकदमा लड़ा है, कराची वालों ने लड़ा है। तो ये इमरान खान आए 5 घंटे के लिए और मुराद अली शाह भी तैयार हुए और फिर इन्होंने 1100 अरब का पैकेज दिया। अल्लाह करे ये मिले, मिलना चाहिए, हमें खदशा, हमें वसवसे की तो यही पैदा हो रहा है आवाम की तरफ से कि ये जो 1100 अरब का बजट पास करने का कहा है, इस पर कोई अमली मुजाहरा नज़र आएगा आवाम को, या ये 1100 अरब, सवाल ये भी पैदा हो रहा है क्या 1100 अरब इतने काफ़ी हैं कि कराची को वेंटिलेटर से निकाल के ICU में दाखिल कर दिया जाए, ये काफ़ी हैं इतने? ये आवाम पूछ रही है तसलसल के साथ कि 1100 अरब में कराची जैसे बड़े शहर का मसला हल हो जाएगा। अनवार आपके प्रोग्राम का नाम भी गालिबन डायलॉग 99 है जी, और ये जो आपका वेब चैनल है ये भी 99 है। देखिए कराची की आवाम और कराची ने भी 99 पर कराची को पहुंचा दिया है। 99 डिग्री पर, हाँ 99 पर हम आ गए हैं, वो सीढ़ी से चढ़ के। अपना मुकदमा हमने अरबाब इख्तदार के सामने रख दिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आए कराची, डूबने के बाद कराची डूबा तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आए, या इलाही ये क्या हो गया, वज़ीर आज़म भी आए, मुराद अली शाह भी समझ गए कि नहीं अब हम कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते, अब हमें ऐलान तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हर सीढ़ी के साथ 99 पर एक सांप भी होता है, तो मेरी दुआ है कि आप भी इस 99 से आगे जाएं 100 में। मगर अगर सांप नहीं हो तो वो पार भी कर सकते हैं और वो गेम जीत भी जाते हैं। तो हाँ, तो गेम जीत, तो आपने 99 तक पहुंचाया, कराची वालों ने पहुंचाया, अब 100 तक पहुंचाने के लिए कराची के सारे जो सियासी बड़े हैं, PTI, MQM पाकिस्तान, PMLN, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये वो 5 बड़ी जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी बल्दिया में है। 1, 2, 3, 4, 5 कौन है कत नज़र इससे? मैंने एक फार्मूला, अगर असद उमर ने एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया तो मैंने भी एक शेडो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया, मैं अपने साथ लाया हूँ आपको देता हूँ। और उसमें मैंने कहा कि नौजवानों की मोबिलाइजेशन करें, एक गैर जानिबदार अच्छा 35 साल से कम उम्र का मेयर लाएँ। मैं 27-28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में, हम सब मिलकर इस बात को एश्योर करें, मैंने ही ऑफ़र दी। और मैं जो उम्मीदवार लाऊंगा, चाहे वो हक परस्त 20 के पैनल से लाऊं, COVID-19 का मुकाबला करना है, सियासत का COVID-19 है, माशरत का COVID-19 है, मईशत का COVID-19 है, कराची की जड़ों में ये COVID-19 बैठा है, इसका मुकाबला करना है।
तो मैंने कहा है कि एक नौजवानों की मोबिलाइजेशन, 140 ए की पटिशन चलाएं, 160 आर्टिकल के तहत आठवां कौमी मालियाती कमीशन बने, 1100 अरब लें, डायरेक्ट मिलें, सूबे से होता हुआ ना आए कराची। और आखिरी बात, इन पांच सियासी जमातों के बड़े, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान, PMLN के मोहम्मद ज़ुबैर और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल, ये सब कराची से वास्ता और ताल्लुक़ रखते हैं। फिर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, फ़हीमुज़्ज़मा उनके साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, और नासिर शाह को ले लें, सक्कर के साबिक मेयर हैं। फिर MQM के मुख्तलिफ दड़ों से आप ले लें, खालिद मकबूल को, फारूक सत्तार को, मुस्तफ़ा कमाल को, रेहान हाशमी को, PTI से नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी और इसी तरह एक दो लोग और ले लें। ये 12 लोग तो हो गए सियासी, और बाकी 8 लोग सनतकार ताजर, नौजवान भी और थोड़ी बड़ी उम्र के भी, सिराज तेली, जिन्होंने कराची की दर्दमंदी पर बड़ी बात की, उन्होंने बड़ा मुतालबा किया है, ये सबको आप ले लें। और इसी तरह 3 अर्बन प्लानर ले लें, अमीर मुस्लिम हानी जुडिशरी से ले लें, ये बनेगा कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन। और ये आर्टिकल 149(4) में आप ना फौज के कंट्रोल में दें, ना आप अली जैदी या फैसल वावडा कराची में दंदना यानी वफाक के कंट्रोल में ले लें, नहीं, ये हल नहीं है। ना हिंग लगे, ना फिटकरी, रंग चौका, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आर्टिकल 149(4) में लेजिस्लेशन करके कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाए, ये फाइन ट्यूनिंग करे इस मंसूबे की, जो ये 1100 अरब है, ये खर्च करे, ये मॉनिटरिंग करे, ये ऑडिट करे, ये एग्जीक्यूट करे। आप देखें 90% इसका पैसा, 10% करप्शन की ज़मानत तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन इन सब लोगों की शोहरत बेहतर है, रेपुटेशन अच्छी है, दयानतदार ईमानदार हैं, ये कराची को, ये डॉक्टर साहब, इनमें से कुछ लोग चाह रहे हैं कराची को सूबा बनाना, जिनके आपने नेम लिए हैं, उनकी उनका ये एक तह उन्होंने किया हुआ है और जलसे भी हो रहे हैं कि कराची को सूबा बनाना चाहिए। आप जितना बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं और जानते हैं, आईनी तौर पे कराची सूबा बन सकता है? देखें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, रास्ता तो बन जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ से जो मुनाफरत बढ़ रही है, जो तासुब का जहर सिंध और कराची की माशरत और सियासत में घोला जा रहा है, जो कौम परस्ती का रुझान, कराची एक कसीरुल इकाई जो है वो, और कसीरुल कौमियती शहर हो गया है, यहाँ हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी है, हर इलाके का पाकिस्तानी है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों के दिलों में सूबे की उमंग आ गई है, कराची वालों में, अक्सरियत में, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो MQM पाकिस्तान के मेरे जो लोग हैं, ये मुतालबा अपनी गिरी हुई साख को बहाल करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, भाई 4 सालों में 2 दिन में आपने रैली निकाल दी, आईन इजाज़त देता है, मुमकिनात में से है। मैं कह रहा हूँ कि आईन बनाने वाले कौन हैं, नुमाइंदे कौन हैं, पाकिस्तान के आवाम के चुने हुए लोग, पाकिस्तान के आवाम, कराची के आवाम चाहें तो ये हो जाएगा, आईन में रास्ता निकल जाएगा, आईन में तरमीम भी हो जाएगी, सारी चीज़ें मुमकिन है। लेकिन उससे पहले एक चांस दें, आर्टिकल 140 से ए की पिटीशन चलाएं, कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाएं, 160 आइन के 160 आर्टिकल के तहत 1100 अरब रुपये कराची को मिले 3 सालों में, फिर आइंदा भी मिले, ये एश्योरेंस हो जाए। और 4 साल में अगर ये चीज़ें, इन पर काम हो जाए, नए मेयर को इख्तियार मिल जाए, एक अच्छा गैर जानबदार मेयर आ जाए, तो शायद सूबे की उस शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस ना हो कि इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। मैं भी हक़ में हूँ, इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए मुल्क में, और 2 नहीं, सिंध में भी 2 से ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन मैं अपना वज़न फाइनली और उस वक्त डालूंगा और मुतालबा उस वक्त करूंगा जब ये 1100 अरब रुपए 3 साल में अगर कराची को नहीं मिलते, अगर 140 के इख्तियार नहीं मिलते। आर्टिकल 160 में 8वें कौमी मालियाती कमीशन के ज़रिए कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर को पैसे नहीं मिलते डायरेक्ट, मैं तब ये कहूँगा, और उस वक्त इंशाल्लाह कराची के सिंधी बोलने वाले भी, बलोची बोलने वाले भी और पख्तून भी, कराची के उर्दू बोलने वालों के साथ, मारवाड़ी, मेवाती, गुजराती बोलने वालों के साथ खड़े होंगे और सब
कराची के लोग मुतालबा करेंगे कि सिंध में नए सूबे नए इंतजाम यूनिट्स बनने चाहिए और उसमें कराची मसाइल का हल है। देखें एक हद तक वजह से भी परेशान है, वो ये कह रहे हैं अगर सूबा बना भी तो वही लोग आएंगे जिनके पास पहले अख्तियार थे, और सूबा जिनके हाथों में आएगा वो कराची की बेहतरी के लिए फलाह के लिए काम करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा। देखिए सूबे का मुतालबा इसलिए आ जाता है कि आर्टिकल 140A की तशरी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 40A की तशरी कर दे जो मैं कह रहा हूँ तो उससे वो वसाइल और इख्तियारात मिल जाएंगे, फिर कराची के किसी मेयर को तस्वे बहाने या मगरमच्छ के आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं होगी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना, इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, और जब नाकाम हो जाए 4 साल तक कुर्सी और इख्तदार को इंजॉय करें, करप्शन करें, लूट मार करें, 40 अरब का हिसाब ना दें, और उसके बाद सूबे की ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा दें। मेरे ख्याल में ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। 140A पर कराची की तमाम सियासी जमातें जो कराची में हैं ज़ोर लगा दें। अब तो असद उमर की पिटीशन भी है, अब तो वसीम अख्तर साहब की भी पिटीशन है, तो ये सारी पिटीशनें चलेगी, मसला हो जाएगा। हमें डायरेक्ट फंड्स मिल जाए मरकज़ से, अच्छी क़यादत आ जाए तो शायद सूबे की ज़रूरत कम हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर सूबे की ज़रूरत रहेगी। और सूबा इस हद तक मसले का हल है कि वो इख्तियारात जो आप मांग रहे हैं वो सूबे के पास है, जो वसाइल आप मांग रहे हैं वो सूबे के पास है, तो फिर सूबे की सूरत में मिलेंगे, लेकिन फिर क़यादत भी नहीं आनी चाहिए। ये जो क़यादत है इसे जंग लगा है, ये एडहॉकिज़म का शिकार है, जमूद है। इसमें हलचल उसी वक्त होगी, एक तहरीक होगी, विजन होगा, और विजन के साथ नौजवानों की इनोवेशन होगी, नए आइडियाज़ होंगे। 35 साल से कम उम्र का मेयर कराची और हैदराबाद को आप क्या समझते कौन सी पार्टी का कितना मैंडेट आ जाएगा, जो मेयर मुंतखब हो जाएगा किसी पार्टी से, आपकी नज़र में आपका तजिया क्या कहता है, अब कौन मेयर आएगा कराची? अगर पार्टियों ने सियासी पोलराइजेशन को कम ना किया बल्दियाती इंतखाबात में तो बहुत सारे आज़ाद और गैर जानबदार ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और जब वो आपस में मिलेंगे तो उनका मेयर आएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब चाहे वो HP 20 हो जो मेरा ग्रुप हो सकता है, जो मैं बहैसियत एक साबिक मेयर कराची के, और एक जो मेरी अपनी MQM पाकिस्तान में भी जब लंदन के लंदन से MQM को चलाया जाता था उस वक्त जो मेरा कंट्रीब्यूशन था, और उसके बाद भी, तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद और गैर जानबदार ग्रुप होंगे। और उसमें मैंने जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को भी दावत देनी है। PMLN बल्दियाती मानों में कराची की नंबर 2 पार्टी थी 2015 के मैंडेट में, तो मैं उनसे भी कहता हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातें ऐसे ही गैर जानबदार और आज़ाद ग्रुप की शक्ल में आकर अगर इलेक्शन लड़ेगी तो सियासत कम होगी, इल्ज़ाम तराशी कम होगी, और क्रेडिट की सियासत के चक्कर में एक दूसरे का रास्ता रोका जाएगा, काम नहीं होगा। MQM का मेयर अगर फिर आ गया तो उसे PTI और पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। PTI का मेयर आया तो उसे MQM और पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी, और अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आया तो खुद भी काम नहीं करेगा, वो खुद ही काम नहीं करेगा। तो बेहतर ये कि एक अच्छा, एक एनर्जेटिक, एक पैशनेट, एक बड़े जोश और वलवले से भरपूर एक मेयर, और उसकी टीम 65% काउंसिल में UC चेयरमैन 35 साल से कम उम्र के होने चाहिए, ये मेरा विजन है। तो जो 99 पर आपकी इतनी मेहनत है, कराची वालों की इतनी मेहनत है, उस सांप को इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कंट्रोल कर लेंगे, और ये 99 जो है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ, आवाम का इस तरीके से भी तासुर आ रहा है जिस तरीके से हालिया बारिश में आपने हाल देखा, मेरी तो रूह कांप जाती है। मैं देखता हूँ एक कमसन बच्चा घर से डूबता हुआ निकलता है और किसी KBT के पुल के अंदर से मरा हुआ मिलता है, उसकी माँ की क्या आलम होगा जिसका बच्चा अभी नौजवान भी नहीं हुआ, इतना छोटा बच्चा वो इस तरीके से रोड पे गटर पे मरा हुआ पड़ा हुआ मिल रहा है इस शहर में। अब लोगों की तरफ से ये भी तासुर आ रहा है कि कराची के मसाइल को आलमी अदालतों में भी लेके जाया जाए, अब लेके जाया जाए ये मुमकिन है, और लेके जाएंगे तो क्या वहाँ से आप समझते हैं बेहतरी है कराची की लेके जाना, क्या आपके इस मामले में इजहार ख्याल? पाकिस्तान के पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी जो मौजूदा सूरत हाल है कराची को लेकर, कराची के डूबते बच्चों, करंट लगने से जाँ बहक होने वाले कराची के शहरियों, और जिस इब्तला में और जिन मसाइब का शिकार कराची वाले हैं, और फिर भी 3000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, अब ये 30 अरब रुपए की खैरात पर
अपने घरों को लौटने वाले नहीं हैं, अब ये पैंचे चढ़ाकर पानियों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कराची का एक नौजवान मेयर, नौजवान कौंसिल, इस सारे अमल को फैसिलिटेट किया जाए, इसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर इस मर्तबा भी ये ना किया गया तो मेरे ख़्याल में कराची वाले जेनेवा जाएं, किसी आलमी अदालत में जाएं, अक़वामे मुत्तहदा में जाएं, मेरे ख़्याल में उससे पहले ये फ़ैसला कराची की ही सड़कों पर हो जाएगा, उन्हें शायद कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा तो 10 लाख का एक धरना मज़ारे क़ायद पर होगा। अगले मेयर को ये पैसे ना मिले, इन मंसूबों पर अमल दरामद ना हुआ, K4 सर्कुलर रेलवे, बिजली के जो मसाइल हैं, गैस की लोड शेडिंग के मसाइल, फरसूदा जो लाइनें हैं और कचरा उठाने का निज़ाम, अगर ये ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर फैसला कराची की सड़कों गलियों पर होगा और उसका आगाज़ मज़ार क़ायद पर एक बड़े धरने से होगा। साहब, आप मुखालफत भी करते हैं काफ़ी लोगों की जिनका हाथ है कराची को तबाह करने में, और सिंध हुकूमत को भी आप इसका इल्ज़ाम देते हैं और आप कुछ इल्ज़ाम इसका वफाक को भी देते हैं, ये सारे सब लोग हैं कराची की बर्बादी के सबब। तो 14 अगस्त 2020 को आप एक जगह मौजूद थे और वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है, आप मौजूद हैं, सईद गनी साहब मौजूद हैं, अली मादल शेख मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं, एक केक कटिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसपे आवाम ये कह रही है जो कट रहा है ये केक नहीं है, कराची है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, ये हकीकत में अपनी बात है, क्या बात है आप बताएँ? 14 अगस्त पर अगर कोई केक काटा जा रहा है तो उस छुरी को, यही लोगों का एतमाद है ना कि वो कराची को काटने की छुरी नहीं है, अगर सब केक एक साथ मिलकर काट सकते हैं, सुने तो कराची के जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की छुरी है, जो जुल्म की छुरी है, उस छुरी को भी ख़त्म करके जो उनके जो वो निश्तर लगाना है जो एक सर्जन लगाता है, तो ये छुरी को सर्जन की छुरी बनाया जाए, इसे कराची को काटने की छुरी ना बनाया जाए। तो मेरा एजेंडा तो ये है और मैंने तो उन सबको दावत दे दी कि आएँ और कराची को, लेट्स ओन कराची, सेव कराची एंड मेक कराची, क्योंकि बाई ओनिंग कराची यू विल ओन पाकिस्तान, बाई सेविंग एंड मेकिंग कराची यू विल सेव एंड मेक पाकिस्तान। 3000 अरब रुपये का टैक्स देते हैं तो 300 अरब सालाना मिलने चाहिए, 30 अरब में अब हमारा गुजारा नहीं होगा। हैदराबाद को भी उसी कदर हिस्सा बकदर जुस्सा, जो उनकी आबादी लाड़काना, हम तो सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान के शहरों, ज़िलों और बल्दियात की बात कर रहे हैं, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल की बात कर रहे हैं 149A में और आर्टिकल 160 में। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और हो सकती हैं, और इस छुरी को एक सर्जन की छुरी में बदलना है, लोगों का एतमाद हासिल करना है कि ये कराची को काटने की छुरी नहीं है, ये सब ने अगर इस छुरी को पकड़ लिया है तो ये उस गले सड़े निज़ाम को, ट्यूमर को उखाड़ कर फेंकना है जिससे कराची को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। कहा जाता है कि अभी भी आपके रवाबित हैं MKM लंदन से, और उसके लिए लोग कहते हैं कि अभी भी आपके थोड़े बहुत रबते हैं, आप इसकी वजाहत कर दें, क्या मामला है? मैंने बारहा ऑफ़र की है कि मैं तो हल्फिया भी कह चुका हूँ, अच्छा, और एक दो प्रोग्रामों में तो मुझे एंकर ने कुरान मजीद हाथ में दे दिया और मैंने उस पर भी कह दिया, अच्छा। अब अगर उसके बाद भी किसी को शक है तो वो फिर अपने ईमान पे शक कर रहा है, अगर कोई आदमी कर रहा है और ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है। अच्छा, मैंने अजराए मजाक भी ऑफ़र की कि भाई अगर कोई खून के टेस्ट, सही, यूरिन के टेस्ट, सही, से अगर देखना चाहता है कि मेरे लंदन के साथ ये कहीं रवाबित है, तो मैंने ये भी ऑफ़र की किसी लेबॉरेटरी में एक्सरे कर लें, MRI कर लें, CT स्कैन कर लें, ब्लड टेस्ट कर लें, यूरिन कर लें, स्टूल कर लें, मैं वो सारे टेस्ट कराने के लिए। पाकिस्तान की सियासत में और आइंदा आपके मुस्तकबिल में कोई भी रवाबित या कोई भी ताल्लुक रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी आपका ऐसा रबता नज़र आएगा MKM लंदन से या नहीं? देखें, मेरे ख़्याल में ये मेरी दलील, मेरे जो दावा है उसको क्यों निगेट कर रहे हैं, ये सवाल पूछ के। मैंने तो 23 अगस्त को अलग होकर कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, मैं आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ,
मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, और लंदन ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इतनी वाज़े लकीर है हमारे और उनके नज़रिए में, उनकी सोच व फिक्र, उनकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में। तो उसके बाद मुझसे ये नहीं, और हाँ धर्म में सुखन में किसी में भी आपको कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, मुकम्मल ला ताल्लुकी का मतलब मुकम्मल ला ताल्लुकी, मुकम्मल कतए ताल्लुक का मतलब मुकम्मल कतए ताल्लुक। फिर उसको हाँ और ना के तराजू में तोल कर मैं समझता हूँ कि मेरे यकीन को, मेरे ईमान को और मेरी दलाइल को जो है वो शक किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ हाँ या ना में नहीं, मैंने तो दामे दर में सुकन ने नहीं, मैंने तो दिल और जान से, अपनी रूह से, हर लिहाज से कहा कि हमारा मुकम्मल क़त ताल्लुक है लंदन से। तो मेरे ख्याल में उसके बाद किसी को शक करने का हक नहीं। सही, पाकिस्तान की सियासत में आपका मुस्तकबिल क्या है, आप कहाँ पे अपने मुस्तकबिल को देखते हैं कि ये जगह पर आप होंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान की बेहतरी से और उस बेहतरी में मेरे किरदार से मेरी सियासत का ताल्लुक है। अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है कि कुछ बेहतर समझ बूझ रखने वाले, सियासी फहम और फिरासत रखने वाले, जो अब पाकिस्तान में स्टेट्समैनशिप के लेवल की सियासत होनी चाहिए, अगर जिसका खला है और शदीद वैक्यूम है, उसको पुर करने में मैं अपना एक किरदार देखता हूँ, और कराची उसका इंटेग्रल और लाजमी हिस्सा है। अगर वो सियासत होगी पाकिस्तान में तो मेरा रोल है, वरना अगर पाकिस्तान की बेहतरी की सियासत नहीं हो रही तो फिर शायद मेरा भी कोई रोल नहीं। सही, बिल्कुल। अपने प्रोग्राम का इसी के साथ खत्म करेंगे, और आपके शेर जैसे हम पे कर दें, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, 99 पाइंदाबाद। नाज़रीन मोहतरम, ये आपने बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू और बहुत ज़्यादा तजर्बे के साथ गुफ्तगू करने वाली शख्सियत डॉक्टर फारूक सत्तार के से मुलाहिज़ा फरमाई। हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान और कराची का मुस्तकबिल बहुत बेहतर और बहुत मस्बत होगा, उम्मीद तो हम यही करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुदरत की क्या मर्जी है वो देखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अनवार खान यूसुफ जई को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नए तर्ज में, नए अंदाज में आपसे फिर इसी चैनल और इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।